नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे UPSC TU2 एग्ज़ाम 2020 की। आज सुबह से मैं कई YouTube चैनल द्वारा यह देखा कि एक लेटर वायरल हो रहा है RTI का। मेरठ के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने RTI मांगा था और UPSC ने जवाब दिया है कि अभी TU2 एग्ज़ाम की कोई डेट निर्धारित नहीं है, जबकि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एग्ज़ाम जनवरी माह के 20 जनवरी के आसपास संभव है। तो जो हम लोगों ने बताया था उसका आधार क्या था और UPSC का ये जो ट्रेंड रहा है झटका देने का, उस पर कुछ बात करेंगे और फाइनली कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आपको बता दें कि जो हमने बताया था उसका सोर्स ये था कि एक लेटर UPSC द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक जनपद के जहाँ जहाँ सेंटर था वहाँ लिखा गया था सेंटर चूज करने के बारे में। उसमें एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसका हम लोगों ने पता किया उस सेंटरों पर जाकर, तो यह पता चला कि 20 से 30 तक के बीच में एग्ज़ाम कराने के लिए उन्होंने आश्वासन लिया है और एक खाका तैयार किया है जो सही है। और अभी तक भी जो न्यूज है, बहुत सारे अधिकारियों का भी कहना है कि एग्ज़ाम होगा जनवरी के अंत तक, लेकिन बीच में ये वायरल हो गया कि भाई नहीं होगा। अब आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि क्या करें। देखिए, UPSC का ट्रेंड रहा है, हम पिछली वैकेंसी की बात करें चाहे और पिछली वैकेंसी की बात करें, तो UPSC स्पष्ट रूप से एडमिट कराने के बाद ही कहता है कि एग्ज़ाम होगा। इसके पहले वो कहता है कि कोई निर्धारित नहीं है, ये एक आदत बना लिया है, हमेशा झटका देता है। 2018 में जब वैकेंसी आई तो आपको फरवरी माह में आई और मार्च में एग्ज़ाम होना था जो नहीं लिया। इसके बाद अगले जनवरी में एग्ज़ाम ले लिया और कई लोग RTI मांगते रहे, बोल रहा था कि कोई सूचना नहीं है, कब होगी कब होगी। अचानक क्या हुआ कि आपको ALP 21 जनवरी को एग्ज़ाम था और 22 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम था, 21 जनवरी को ALP का और 22 को इन्होंने डेट निर्धारित करके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया। तो आप देखिए, ये मत मानिए कि कब UPSC एडमिट कार्ड जारी कर देगा और आपको झटका दे देगा, आप पूरी तरह तैयार रहिए। दिक्कत उन छात्रों को होती हो रही होगी जो टेक और नॉन टेक दोनों नाव पर सवार होंगे, तो मेरी सलाह है कि आप किसी एक का ही तैयारी करें, या तो टेक में बने हैं तो टेक में बने रहिए और नॉन टेक में बने हैं तो NTPC की तैयारी करते रहिए। दोनों तरफ मूव करेंगे तो दिक्कत होगी। और अभी आपको मेरे जानकारी के अनुसार जो एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक संभव है, तो आप तैयारी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। और RTI जहाँ तक की बात है तो 21 तारीख को RTI जारी किया है और उसमें ये पूछा गया था कि डेट कब निर्धारित की गई है। तो ये बहुत अंत में डिसाइड होता है, 4-5 एग्ज़ाम कराने हैं तो फाइनल डेट आगे पीछे का दिन हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि वो जवाब दे दिया हो। तो कई कारण हो सकते हैं, इसके कारण मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप तैयारी लगातार करते रहिए। और एग्ज़ाम UPSC स्पष्ट रूप से तो 10 दिन पहले ही कहेगा आपको, ये लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको एग्जैक्ट डेट, ठीक है। 10 दिन पहले ही UPSC बताएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, आप डाउनलोड करिए एग्ज़ाम दीजिए, और 10 दिन में आपकी तैयारी होनी नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी नहीं छोड़नी है, तो UPSC का आदत है झटका देने का, लाइन बन का वैकेंसी लाकर भी वापस ले लिया, झटका था। लेकिन ये वैकेंसी वापस नहीं होगी, इसकी मैं सियोरिटी पता जानता हूँ और एग्ज़ाम होगी और जहाँ तक उम्मीद है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगी। तो आप तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए। और UPSC स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा आपको 10 दिन पहले से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।